हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ के मैथमेटिक्स के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। एंड हमारे पास जो एक टॉपिक है उसका नाम है रेशियो रेशनलाइजेशन। क्लास नाइन मैथ्स के एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है रेशनलाइजेशन। ओके, इसमें हमें जो है कुछ सम क्वेश्चंस जो हैं सोल्व करने हैं। फॉर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, वो है हमारा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ क्वेश्चन है हमारा 2/√3। ओके, हमें कहा गया है कि हमें रेशनलाइज करना है द डिनोमिनेटर ऑफ 2/√3 को। तो रेशनलाइज का मतलब होता है कि हमारे पास जो है ये हमारे पास है 2/√3। इसको रेशनलाइज करने के लिए हम नीचे आए √3 से नीचे मल्टीप्लाई और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स 2 की मल्टीप्लाई √3 में करते हैं, ये आता है 2√3/√3 की मल्टीप्लाई √3 में करते हैं, ये आता है 3। देन ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर टू है हमारा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। इसको हमें रेशनलाइज करना है। तो स्टूडेंट्स को रेशनलाइज करने का हमारा जो मेथड है हमारे पास दिया है 1/√2। हमें क्या करना है, इसको जो है इसका अपोजिट साइन माइनस लेकर के 3-√2 और 3-√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ये आता है 3-√2 अपॉन, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, मैंने आपको सिखाया था a+b इज इक्वल टू a² - b² इज इक्वल टू हो जाएगा 3-√2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, -√2 का स्क्वायर होता है 2 इज इक्वल टू 3-√2 अपॉन 7। दैट्स आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें सोल्व करना है, हमें कहा गया है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3-√5। हमें जो है इसको रेशनलाइज करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, सोल्व कर लेते हैं इसको। 5/√3-√5 और मल्टीप्लाई कर देते हैं अपोजिट साइन लेकर √3+√5/√3+√5। हमें क्या करना है, ये हमारे पास था √3-√5, इसका अपोजिट साइन लेना है √3+√5। ऊपर नीचे दोनों से सेम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ऊपर आता है 5 और साथ में आएगा √3+√5/, इसकी मल्टीप्लाई जब हम इसमें करते हैं तो a-b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा a² - b²
तो स्टूडेंट्स हमारे पास है बाहर 5 और ये है रूट 3 प्लस रूट 5। जब हम रूट 3 का स्क्वायर करते हैं वो आता है 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 5 और इज इक्वल टू 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 से 5 अप माइनस 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आया, इसको हम लिख सकते हैं 5/2 माइनस 5/2 माइनस 5/2, साथ में लिख लेंगे रूट 3 प्लस रूट 5, रूट 3 प्लस रूट 5। तो हमारे पास क्या था, हमें रेशनलाइज करना था द डिनोमीटर ऑफ 5 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 को। तो हमने क्या किया, 5 में हमारे पास था 5 रूट 3 माइनस रूट 5, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 5 रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन इस, ये क्वेश्चन था, इसका अपोजिट साइन लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 3। जब इसकी इसमें करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 5 रूट 3 प्लस रूट 5 ये रहा हमारा, और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, रूट 5 का स्क्वायर आता है 5, 5 रूट 3 अपॉन रूट 5, 5 3 आता है माइनस 2, तो माइनस 5 अपॉन 2 रूट 3 अपॉन रूट 5, दैट्स इज माई आंसर। ओके स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रेशनलाइज द फॉलोइंग, हमको जो है रेशनलाइज करना है जो हमें कहा दिया गया है, रेशनलाइज द फॉलोइंग। फर्स्ट हमको दिया गया है 2/√7, बी है हमारे पास 7/√5, सी है हमारे पास 8/√4 एंड डी पार्ट है हमारे पास 9/√3। तो स्टूडेंट जब हम फर्स्ट ए को सोल्व करेंगे, सोल्व करते हैं ए पार्ट को, तो हमारे पास दिया था 2/√7, हम मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 7 से ऊपर और रूट 7 से नीचे, देन रूट 7 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, आता है 2√7, यह आता है 2√7 अपॉन रूट 7 की रूट 7 में करते हैं, यह आता है 7, ये मेरा आंसर हुआ। बी पार्ट सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, बी पार्ट है 7/√5, तो रूट 5 7/√5 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेते हैं, यह आ जाएगा √5/√5 और ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 7/√5/√5 होता है 5 और ये हुआ हमारा आंसर। ऐसे ही हम सी पार्ट भी और डी पार्ट भी सेल्फ कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपने आप हम इसको ट्राई कर लेते हैं एक बारी, उसके बाद फिर हमारे पास जो है एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो हमने किया था, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 2/√3, तो स्टूडेंट्स हमें इसको रेशनलाइज करना है 2/√3 को, तो कैसे करेंगे, हमारे पास है 2/√3, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2/√3, हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में है √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर आता है 2√3 और √3 में मल्टीप्लाई करते हैं वो हो जाता है 3, तो 2√3/3 ये हमारा आंसर हुआ। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/3 + √2, हमारे पास था 1/3 + √2, हमने इसका अपोजिट साइन लिया 3 √2/3 √2 और हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके तो 1/3 + √2 जो हमारे पास था, हमने लिया 1/3 + √2 और इसका अपोजिट साइन लेकर, यानी कि यहाँ पर प्लस की जगह पर हमने माइनस ले लिया ये, और माइनस से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आता है 3 √2 ऊपर आता है, नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 2 का स्क्वायर, 3 √2 ये रहा हमारा, रूट 3 का स्क्वायर 9 √2 का स्क्वायर होता है 2, बिकॉज रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2। अब 3 √2/9 - 2 और ये हो जाएगा 3 √2/7, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 - √5, तो हमारे पास था 5/√3 - √5, मल्टीप्लाई कर देते हैं अपोजिट साइन लेकर, यहाँ पर प्लस का साइन ले लेते हैं, क्या साइन लेते हैं बेटा, प्लस, प्लस से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया √3, माइनस की जगह लिया प्लस और √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह आता है 5√3 + √5, ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर हुआ √3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हुआ √5 का स्क्वायर। ओके हमें क्या करना है, 5√3 + √5, ओके और नीचे है √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, √5 का स्क्वायर हो जाता है 5, तो 5√3 + √5 / 3 - 5 होता है -2,
इसको हम एज वेल एज ऐसे राइट कर सकते हैं, माइनस फाइव अपॉन टू रूट थ्री प्लस रूट फाइव, दैट्स माई आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर, रेशनलाइज द फॉलोइंग, टू अपॉन रूट सेवन, सेवन अपॉन रूट फाइव, एट अपॉन रूट फोर, सबको हम रेशनलाइज करना है। तो हम फर्स्ट पार्ट ए पार्ट सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास था टू अपॉन रूट सेवन, ये हमारे पास था, हमने रूट सेवन से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, रूट सेवन से नीचे कर दिया, तो हमारे पास आता है बेटा टू रूट सेवन अपॉन रूट सेवन की मल्टीप्लाई रूट सेवन में किया हो गया सेवन, दैट्स माई आंसर। अब यहाँ पर आता है सेवन रूट फाइव, और सेवन रूट फाइव के साथ हमारे पास आता है सेवन रूट फाइव, और सेवन रूट फाइव में होता क्या है कि हमारे पास जो है सेवन रूट फाइव ओके सेवन रूट फाइव अपॉन ये हो जाता है रूट फाइव की मल्टीप्लाई रूट फाइव में करते हैं जाता है फाइव। ओके स्टूडेंट्स, हम नया क्वेश्चन स्टार्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, ओके हमारे पास है एक टॉपिक है हमारे पास फैक्टराइज, क्या ओके क्या बेटा फैक्टराइज, फैक्टराइज करना है हमें कुछ क्वेश्चंस को। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस टाइप से है, एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, इसको मैं फैक्टराइज भी करना है और सोल्व भी करना है। बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वन है, हम लेट कर लेते हैं, इमेज कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वन है, और हम टू की मल्टीप्लाई वन में करते हैं, टू वन जा टू, तो हमारे पास क्या है थ्री को हमें ऐसे एडजस्ट करना होता है कि हमारे पास जो है मल्टीप्लाई करके टू आ जाए और ऐड करके थ्री ही रहे। तो हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास है स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री को हम ऐसे लिख सकते हैं टू प्लस वन, टू वन ज़ा टू हुआ, टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू, टू प्लस वन थ्री, और एक्स हमारा ऐसे ही रहता है प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, और ये हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस टू की एक्स में करते हैं टू एक्स प्लस वन की एक्स में करते हैं एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ये इम्प्लाइज है। एंड हम क्या करते हैं दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, एक्स को ये बचता है एक्स प्लस टू, और यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं दोनों से, कुछ नहीं आता तो वन कॉमन आता है एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। एंड हमारे पास एक्स प्लस वन हम राइट कर लेते हैं एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, टू में से हम वन को ही राइट करते हैं स्टूडेंट्स, वन प्लस एक्स प्लस टू, और ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। तो बेटा हमारे पास हम हो क्या सकता है कि इसमें दो कंडीशन पॉसिबल होती हैं, इफ़ एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, दैट्स माई आंसर। ये जो माइनस टू और माइनस वन होता है, मैं आपको आज एक नई चीज़ बताऊंगा इसमें, जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्स की वैल्यू आती है माइनस टू और एक्स की वैल्यू आती है माइनस वन, इनको हम बोलते हैं रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो माइनस टू एंड माइनस वन इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऑफ दिस पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल यानी कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, इस जब हमारे यहाँ पर इसकी पावर टू है, एक्स की पावर टू है, मैंने आपको क्लास में जो है रिवाइज कराया था मैंने जो आपको क्लास में रिवाइज कराया था कि माइनस टू माइनस वन इज़ द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, माइनस टू एंड माइनस वन क्या है इसके पॉलिनोमियल्स के रूट होते हैं। ये हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, हमारे पास है एक्स का स्क्वायर, जिसके पास स्क्वायर होता है उसको बोलते हैं हम, बताया था मैंने आपको, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो उसके नंबर ऑफ जो रूट्स होते हैं उसके टू रूट्स होते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के टू पॉसिबल रूट होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जो हमने अभी लेटर स्टडी किया है, वो था एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, इसके पास एक्स का स्क्वायर है, इसका मीन ये हुआ कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट निकल कर आए, एक रूट है -2 और -1। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट होते हैं हमेशा, ऑलवेज हमें लर्न करना है के टू पॉसिबल रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू पॉसिबल रूट होते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल था x²+3x+2 और हमारे पास के रूट्स आए हैं -2 -1। तो हमसे पूछा गया है इसी क्वेश्चन के अंदर, हमसे क्वेश्चन पुट कर सकता है वो, कि हमसे क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ रूट ऑफ दिस पॉलीनोमियल हमें क्या करना है कि ये जो हमें पॉलीनोमियल है ये, इसके जो रूट्स का है सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके रूट्स का सम निकालने के लिए इसके फर्स्ट रूट को हम मान लेते हैं α -2, दूसरे को मान लेते हैं हम β = -1। और हमें रूट्स का सम निकालना है, तो रूट्स का सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, α+β कर देते हैं, इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट। अल्फ़ा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू -1, -2 -1 हो गया -3। तो फोर्थ पार्ट हमसे कुछ ऐसे पूछ सकता है, फाइंड द सम ऑफ देयर रूट्स। हम क्या कर सकते हैं कि इसके रूट्स का हम सम भी निकाल सकते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट, हमें क्या करना है इसके रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, अल्फ़ा की बीटा में हमने क्या कर दिया, डॉट कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। अल्फ़ा की वैल्यू है स्टूडेंट्स -2 और बीटा की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा -2 × -1। जब हम -2 की मल्टीप्लाई -1 में करते हैं, -± ये हो जाएगा 2 × 2। तो हमारे पास जो है जो सम जो प्रोडक्ट आया है ये आता है 2। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। तो स्टूडेंट्स हम समझ नहीं, अपने कोचिंग में पढ़ रखा होगा कि हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन हमारी बात यहीं पर नहीं कंप्लीट हो जाती है। हमें इसके फैक्टराइज करने होती हैं, इसके रूट्स निकालने होती हैं, हम इसके रूट्स के सम भी निकाल सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, जो इसके रूट्स हैं रूट्स को हम यूज़ करके दोबारा से इसके फॉर्मूले को हम तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इसके रूट्स था -2 और -1, हमने क्या किया, क्वेश्चन पूछा था फाइंड द सम। एक मिनट स्टूडेंट्स, I have a break for one minute. Okay, students. तो हमारे पास find the sum of the root of this polynomial, इसके एक root को मान लेते हैं -2 और दूसरे को मान लेते हैं -1। तो alpha को मान लिया -2 और beta आ गया -1, तो α+β = 2। Okay, students. तो हमने क्या किया, इसके फाइंड द सम ऑफ दिस रूट हमने क्या किया, α -2 β - 1। α+β को बोलते हैं सम ऑफ रूट, -2 और -1 हो गया -3। हमने निकाला α β -2 - 1, तो α β होता है 2। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इस पूरी कैलकुलेशन को सोल्व कर दिया, α+β α β निकाला। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपको एक नई चीज़ सिखाते हैं। मेरे पास जो ये पॉलीनोमियल था x²+3x+2, इसको मैं एज वेल एज ऐसे राइट कर सकता हूँ, x²+3x+2। अब हमें क्या करना है, इसकी कंपेयर हम इससे करते हैं ax²+bx+c = 0। देन हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू आ जाती है 1 और b की वैल्यू आ जाती है 3 और c की वैल्यू आ जाती है 2 और α+β का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a। α+β का फॉर्मूला होता है -b/a। तो α+β = -b की वैल्यू होती है 3, a की वैल्यू 1, -3/1 -3। तो α+β हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, वो आता है हमारा -3। ओके, α+β कितना है -3, तो यहाँ पे भी फॉर्मूले से भी -3 आ सकता है। हम इसको डायरेक्टली इसी क्वेश्चन को, इसके जो x²+3x+2 था, इसको हम दोबारा से इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ये आपको अभी जो है थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, क्योंकि ये जो चीज़ है स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें जो है फील लेना है, हमें एक चीज़ समझनी होगी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के रूट्स क्या होते हैं, रूट्स का सम ये α+β क्या होता है, इन रूट्स का हम प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम α+β निकालें, तो α+β का फॉर्मूला होता है c/a। तो α+β आप देख सकते हैं कि यहाँ पर c की वैल्यू हमने निकाली थी 2, / a की वैल्यू थी 1, / 1 हो तो उसको लिखते नहीं, α β = 2। यानी कि हम α+β को डायरेक्टली 2 भी निकाल सकते हैं, और यहाँ से 2 ही आया था, यहाँ से भी हमारा जो α+β का आंसर आया है वही 2 है। तो स्टूडेंट्स पहली बात जो हमें इसमें याद करनी है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट्स होते हैं। इसको हमने सोल्व किया, सोल्व ऐसे करते गए और सोल्व करने के बाद टू रूट्स आए, -2 -1। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं,
तो कुछ भी हो सकते हैं। फर्स्ट को मान लिया हमने माइनस टू, दूसरे को मान लिया माइनस वन, और अल्फा प्लस बीटा कर दिया, अल्फा प्लस बीटा है माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको जो है थोड़ा एक बार समराइज कर लीजिए और हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ओके, माय नेम इज़ तुषार कुमार, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके।